तो ये यहाँ पर सेकंड प्रश्नावली का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी बचा हुआ पार्ट है, पूर्ण संख्याओं का गुणन, यानी पूर्ण संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम होल नंबर कहते हैं, यानी होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं को ध्यान देते हैं, यानी किस तरीके से यहाँ पर क्रियाएं होती हैं, जैसे दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, 7 और 8 है पूर्ण संख्याएं, दोनों को जोड़ दिया तो 15 है, क्या बनेगी, पूर्ण संख्या बनेगी। इसी तरीके से 5 और 5 है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, एक पूर्ण, तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ले तो सदैव हमें क्या मिलती है, पूर्ण संख्या मिलती है। जैसे 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो दो तरह की हमारे पास में संख्या होती है, एक तो होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में हम 0 को नहीं मानते हैं, यानी 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में हम 0 को भी मानते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर आएगी। प्राकृतिक संख्याओं में नंबर जो आएंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब हम देखें कि पूर्ण संख्याओं में ऐसे बहुत सारे युग्म हम ले सकते हैं, कोई भी, जैसे 2 और 7 ले लिया पूर्ण संख्या है, 9 आ रहा है, 4 और 6 ले लिया कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस तरीके से 5 जोड़े हमें बनाने पूर्ण संख्याओं के। नेक्स्ट देखें, संवृत यानी कि पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे दो संख्याओं का योग करते हैं, 2 प्लस 7 तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का योग, क्योंकि यहां पर 9 भी पूर्ण संख्या है, तो इस वजह से इसको का योग। अब गुणा की बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। इसे 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 56 गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त है, 0 गई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संवृत गुणन क्या होता है, संवृत गुणन होता है गुणन के अंतर्गत। क्या होती है, आती है, इसका मतलब संवृत की क्रम उसी तरह की संख्याएं हमें मिलती है। जैसे जैसे हम बोले कि अगर आम का पेड़ बोएंगे तो क्या मिलेगा, आम ही मिलेगा, केले का पेड़ बोएंगे तो केला ही मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगी। और अगर हम वो गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलेगी। और हम देखते हैं बाकी यानी कि सब्ट्रैक्ट, दो पूर्ण पूर्ण संख्याओं का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे पूर्ण संख्या 6 हमारी है, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये भी एक पूर्ण संख्या आ रही है। 7 में से 8, तो 7 में से 8 जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। बचेगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण भी लेकर इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब भाग वाली बात करते हैं, क्योंकि भाग वाली बात हमने की नहीं की है। तो भाग में जैसे 8 एक पूर्ण संख्या, 4 का भाग दिया तो कितना आया, 2, तो 5/7 आएगा। 5/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर पॉइंट में कोई मान आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे कि 5/7 को हम सॉल्व करें तो ये 1 से कम चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 रखी है। तो 0 रखने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें भागफल में पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने पॉइंट लगा दिया है, ये पॉइंट है, लगा दिया है, तो पॉइंट लगा के भाग दिया तो 7 से 2 49 लगा कर
एक बार ही पूर्ण हमें कुछ लगाने, तो सात एकम सात फिर तीन बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर सात चौक 28, फिर दो बचेगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 0.714 ये क्या है, जीरो से कम है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम देखें इसे 0.01 है, ये 0.1 है और इधर -0.1 है। जब तक हम माइनस नहीं लगाते हैं तब तक वो संख्या जीरो से बड़ी नहीं होगी। जैसे ये तो जीरो से इधर संख्या आ रही है माइनस में, तो छोटी संख्या है, ये जीरो से इधर आ रही है तो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये माने कि 7.714 है, ये क्या है, जीरो से बड़ी संख्या है, जीरो से बड़ी संख्या है, फिर भी यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण संख्या, क्योंकि पॉइंट वाली जो संख्या है उसको हम पूर्ण संख्याओं में नहीं देते हैं। तो ये क्या है, एक परिवेश संख्या है। इसी तरीके से ये 12/3 है, 4 आ रहा है पूर्ण संख्या है, 6/5 है, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं, पूरा हमें आंसर नहीं मिल रहा है, यानी पॉइंट के अंदर जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं शून्य द्वारा विभाजन, यानी कि जीरो के द्वारा किस तरीके से विभाजन होता है। जैसे एक संख्या में भाग देने का अर्थ क्या है, उस संख्या को बार बार हम भाग देते जाते हैं। जैसे 8 में भाग देना है 2 का, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 8 में से 2 को बार बार घटाते जाते हैं और एंड में हमारे पास में क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। जैसे सबसे पहले लिया 8, 8 में से 2 घटाया, कितना बचा 6, फिर 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, ये एक बार प्रोसेस होगी, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर ये दूसरी बार प्रोसेस होगी, फिर इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ये तीसरी बार प्रोसेस होगी, 2 घटाएंगे और 0 आएगा। ओके, हमारे पास आंसर क्या आया, 0। तो इसे हम कहते हैं शून्य द्वारा विभाजन, यानी कि कितनी बार भाग जाएगा 8 में 2 का, 4 बार भाग जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया 4। तो ऐसे आंसर हम निकालते हैं। जैसे इसी विधि से हम करते हैं किसका, 24/8 का करते हैं। तो 24/8 का कैसे भाग करेंगे, 24 में से पहले सबसे पहले 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 16, ये एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो ये दूसरी बार प्रोसेस खत्म हो गया। और फिर 8 में से 8 घटाती बार प्रोसेस खत्म हो गया, यानी 24 में 8 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, टोटल यहाँ पर कितना है 3, तो 3 बार भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता करना है। अब जैसे 2 में भाग देते हैं 0 का, तो 2 में भाग 0 का देंगे तो अनंत किस तरीके से आता है। जैसे 2 में भाग 0 का देंगे यानी कि 2 में से हम क्या घटा रहे हैं, 0 घटा रहे हैं, 2 में से 0 घटाते हैं तो 2 ही आता है, 2 में से 0 घटाते हैं, 4 तरीके से। और हम कितना भी देते हैं यहाँ पर भाग क्या जाएगा, अनंत बार जाएगा, यानी कि हम प्रयास करते रहेंगे थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर 0 नहीं आने वाला है नीचे की साइड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 में भाग 0 का देते हैं तो वो परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 में भाग 0 का देते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे हम 1 में भाग 0 का दें, 50,000 में भाग 0 का अपरिभाषित, यानी हम उसको बता नहीं सकते कि क्या आएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि 7:0 है, यानी कि हम कह सकते हैं 7 में भाग देना है 0 का, तो यहाँ पर भी परिभाषित है, कोई नंबर हम लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो क्या आता है, अनंत आता है। अब देखें योग और गुणन के क्रम विनिमेयता क्या कहता है, क्रम विनिमेयता क्या होती है, यानी आगे पीछे हम जा सकते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर स्थिति में क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है वो है 3, और इसमें क्या जोड़ दिया है, 3 से 5, यानी यहाँ पर प्लस 2 कर दिया है, तो 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ की संख्या हम देखें, ये क्या है 2, यानी 2 रख दिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है ये कितना है 3, यानी प्लस 3, तो 2 + 3 भी 5 आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमेयता के नियम को ये पालन कर रहा है। क्रम विनिमेयता का नियम क्या कहता है कि 2 + 3 = 5 आ रहे हैं हमारे पास में, और 3 + 2 = 5 आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा कि ये क्रम विनिमेयता फॉलो कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 5 + 8, 5 दोनों 8 आएंगे, तो 5 + 3 हमें लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 तक, और ये प्लस 3 अंदर वाली संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3, और ये प्लस 5 अंदर वाली संख्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमेयता का नियम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं,
चाहे हम 2 + 3 जोड़ सकते हैं या फिर 3 + 2 जोड़ सकते हैं, आंसर हमारा कितना आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यानी योग क्रम विनिमेय है, यानी पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी क्रम में अगर कोई संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यह गुण क्या कहलाता है, क्रम विनिमेयता का नियम कहलाता है। अब हम देखें गुणा के, कि गुणा के लिए ये नियम काम करता है कि नहीं करता, पाँच आता है। अगर 5 × 4 विनिमेयता के नियम को पालन करता है, तो दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, चाहे हम 4 × 5 करें या फिर 5 × 4 करें, आंसर क्या आने वाला है, 20 ही आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्या होते हैं, क्रम विनिमेय होते हैं। अब बात कर सकते हैं जांच करके कि क्रम विनिमेय है या नहीं, जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन और क्रम विनिमेय है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। व्यवकलन मतलब घटाना, जैसे कि 8 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, 5। अब 3 में से 8 घटा के देखते हैं तो 3 में से नहीं, इसके लिए हासिल की जरूरत पड़ेगी, तो 3 में से 5 + 5 बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। इसी तरीके से 6 और 2 यानी भाग वाला चेक कर लेते हैं, 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। अगर हम 2 में भाग 6 का दें तो 2 में भाग 6 का नहीं आएगा, यानी पॉइंट में आएगा, ये यानी पॉइंट के आसपास कुछ आएगा। जैसे पॉइंट में भाग दें, जैसे 2 में भाग देते हैं 6 का, कह रहा है तो पॉइंट लगा देते हैं हम यहाँ पर, 0 रख देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 रख दिया, यानी 0.333 इस तरीके से आता जाएगा, यानी 0.333 आ रहा है एक तरफ, तो एक तरफ आ रहा है आंसर 3, यानी ये भी यहाँ पर क्रम विनिमेयता के नियम को पालन नहीं करता है। अब हम देखें कुछ गुणन की संक्रिया देखें, जैसे कि यहाँ पर रखा है 2 + 3, के नियम में अगर हमें लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर रख देंगे और इधर +3 और 4 को हम अंदर रख देंगे, यानी कोष्टक के अंदर, तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 + यानी 2 + 7 शो कर रहा है, यानी कि ये नियम सही है। तो हम इस तरीके से क्रम विनिमेयता के नियम की पहचान करेंगे कि कोई भी संख्या अगर समान प्राप्त हो रही है तो क्रम विनिमेय है, नहीं तो नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं का योग है वो साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, ये साहचर्य गुण के अंदर आएगा। साहचर्य गुण के अंदर क्या होगा, जैसे पहले 2 संख्याओं के साथ में पहले जोड़ किया और फिर इनको कोष्ठक में बंद कर दिया, और दूसरे क्वेश्चन में क्या किया हमने, अंत की 2 संख्याओं का कोष्ठक में बंद कर दिया और पहली संख्या के साथ में जोड़ दिया। दोनों में अगर आंसर हमारा सेम आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, साहचर्यता का नियम, यानी कैसे भी जोड़िए वो आंसर सेम आने वाला है। तो इसकी साहचर्यता के नियम की 2, 8, 6 से जांच करते हैं कि 2, 8, 6 के लिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2, 8, 6 के लिए कैसे लिखेंगे, 2 + 8 + 6, सबसे पहले 8 और 6 को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 14 कितना हो गया, 16। अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, 2 + 8 + 6, तो 8 और 2 को हम कोष्ठक में ले देते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 और 6 16। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये साहचर्यता के नियम को पालन कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें जैसे संख्या दे रखी है, इन 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 234 दे रखा है, 234 + 197 = 103 को 1 में जोड़ देते हैं, 197 + 103 तो क्या हो जाएगा, 97 में 300 होता है, 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया, 300, यानी 234 + 300 कितना हो गया, 4, ये यहाँ पर जोड़े 4 और 0 4 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया, यानी 534 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं और साहचर्यता के नियम की पता कर सकते हैं कि साहचर्यता का नियम फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे 12 और 9 21 होता है, 9 और 21 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 7 और 29 + 29 भी यहाँ पर 36 होगा, 29 तो यहाँ पर नंबर से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर आकृति का गुण बात कर लेते हैं, जैसे आकृति में क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा, यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 दे रखा है, तो ये सब मिला के कितने होंगे, 24 होंगे अगर सबको जोड़ेंगे तो।
इन आकृति में बात करें यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और यहाँ पर 12 दे रखा है, यानी 24 यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है, यानी यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, 3:4 बन रहा है। यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, 2 के खंड बना रखे हैं, यानी कि 2 के 3:4 खंड हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2:3:4 है, 2:3:4। और यहाँ पर हम बात करें कि 2:3 ये कितने खंड हैं, यहाँ पर ये 2 हैं, 1 और 2, और हॉरिजेंटल यहाँ पर 3 है, तो 2:3 इसके कितने खंड है, 4 ब्लॉक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। इधर भी हम करेंगे कि 2:3:4 करते हैं तो 12, और 12 दूनी 2 कर देते हैं तो 24। तो यहाँ पर क्या कि ये सहचर्यता के नियम का पालन कर रहा है। अब पूर्ण संख्याओं के गुणन की सहचर्यता गुण कहते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ये सहचर्यता के नियम को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे 6:5 कितना होगा, 30, और 30:3 करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें 6:5:3 कर दे कितना आता है, 15, और 15 6 क्या आता है, 90। तो ये सहचर्यता के नियम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। जैसे कि 9:4 कितना होता है, 36, 36:25 100, तो ये हो जाएगा 9:100, 900 हो जाएगा। तो इधर तो आ गया हमारा 900 आंसर। इधर हम सॉल्व करते हैं, ये आंसर 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 25:9 कितना, 25:6 कितना होता है, 150, असल लगेगी 15, और 25 75, 75 और 15 कितना होता है, 900 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या है 14 17 6, इसको 2 विधियों से ज्ञात करना है। 2 विधियों से कैसे ज्ञात करना है, यानी सहचर्यता का नियम लगा देते हैं। एक बार 14 17 को जोड़ेंगे, 14 प्लस 17 इसको किसके साथ में जोड़ेंगे, +17 कितना होता है, 31, 31 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 37। अब इसको दूसरी विधि से जोड़ेंगे, दूसरी विधि में क्या करेंगे हम, 14 को प्लस कर देंगे 17 प्लस 6 के साथ में, तो 17 और 6 क्या होता है, 23, यानी 14 प्लस 23। तो सॉल्व हो गया है। तो सहचर्यता का नियम यहाँ पर हम कम कैसे का नियम लगाया है, क्रम विनिमेय गुणों का नियम हमने लगा दिया है। इसी तरीके से इनके उत्तर की जांच करनी है। यहाँ पर जैसे 17 और 7 और 18 कितना हो गया, 25, और 25 और 13 हम जोड़ दें तो कितना हो गया, 38। इसी तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं, क्या है, 16 और 18 को जोड़ेंगे और फिर इसके साथ जोड़ देंगे। अब इनमें हम सहचर्यता अप्लाई करना है, जैसे 32 को सहचर्यता का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो 12 को छोड़ सकते हैं या 35 को तोड़ सकते हैं। अगर हम 12 को तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, 6:2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6:2:35, तो ये यहाँ पर सहचर्यता का नियम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम 35 को तोड़ सकते हैं, जैसे कि दूसरा तरीका में क्या होगा, 12:35 को तोड़ सकते हैं, 7:5। अब इसको 7 इसको कोष्ठक में रख लें और 5 कर दें, यानी ये भी यहाँ से हमारा आंसर सेम आएगा, यानी चारों कंडीशन में हमारा ये छोटी सम संख्या 5 के गुणा से गुणा करके सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें करना हो 8:17 17 17 125, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 8:125 17 17 69, इसमें क्या करते हैं, 8:125, जैसे जहाँ भी 5 नंबर दे रखा है वो रहा है 8, 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, जैसे 125 से 5 है इकाई का अंक, 125 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1769 से मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या है आंसर जल्दी आ जाएगा। इसे 125 * 8 होता है 1000, तो यहाँ पर 1769 में डायरेक्ट 3 0 लग जाएगी, यानी कि आंसर ये हो जाएगा 1769 000। इसी तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि 25 * 38 88 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो यहाँ पर हम करें सबसे पहले 25 * 4 यानी 100, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो आंसर क्या आ जाएगा,
अट्ठावन। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें 625 इंटू 8 करते हैं, 625 इंटू 8 करेंगे सबसे पहले तो आप ये हो जाएगा 8 5 4। लगी 1800 नहीं हो रहा, जैसे 8 से मल्टीप्लाई करें 8 5 40, आंसर लगी 4, 8 2 16, 16 4 20, आंसर लगेगी 2, 8 6 50, यानी 5000 हो रहा है। क्या हो रहा है? 5000। अब 5000 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 37 और 59 से मल्टीप्लाई करना है, तो 37 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 है यहाँ पर, तो 3 0 पहले आ जाएंगे, 1 2 3। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 से 9 5 45, असल लगी 4, 5 25, 25 4 29, असल लगी 2, 5 7 35, 35 2 37, असल लगी 3, और 5 3 15, 15 3 18, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम संख्या को कैसे देखते हैं, पहले 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1,87,00,000। अब हमें देखना है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 16 भाग 4 भाग 2 है, तो 16 में 16 भाग 4 भाग 2 में 2 आ जाएगा, और 16 में अगर 2 का भाग देते कितना आता है, 8 आता है, जबकि पहले जो आंसर आ रहा था ये कितना आ रहा था जब हमने सॉल्व किया था, क्या 16 भाग 4 भाग 2, जब इसको सॉल्व किया था तो 16 में भाग 4 का दिया तो 4 आ रहा था, और इसमें भी भाग अगर 2 का देंगे तो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अगर ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास में, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये सहचर्यता के गुण को फॉलो नहीं कर रहा है, सहचर्यता के गुण को ये पालन नहीं कर रहा है। अब योग के गुणन का वितरण की बात करें, जैसे कि क्या दे रखा है योग का गुणन का वितरण, जैसे कोई संख्या दे रखी है 6 इंटू 8, तो यहाँ पर 6 इंटू 8 कैसे होगी संख्या, ये 6 है हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले लिख देते हैं कॉलम इंटू रो, यहाँ पर हम देखें ये तो हमारी रो है, कॉलम हम देखते हैं क्या कॉलम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इंटू 8 की ये संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से हम संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, अब 6 इंटू 8 से हमें क्या करना है, 6 इंटू 8 से 6 इंटू 5 और 6 इंटू 3 की एक रेखा काट देते हैं, 6 इंटू 5 6 इंटू 3, यानी इसको यहाँ से कैंची से काट देते हैं, हम काट दिया है कागज को, और 2 काट करके आकृति बनाई गई है, क्या आकृति बनाई गई है, एक तो 6 इंटू 5 में काट दिया है और एक 6 इंटू 3 में काट दिया है, तो ये हो गया 1 2 3 5 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू 3 हो गया ये, तो ये हमारा है 6 इंटू 5, यानी कि 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6, बड़ी संख्या के लिए 1 है हमारा 6 इंटू 3, यानी तोड़ करके हम लिख सकते हैं। तो योग पर गुणन का वितरण है वो किसका फॉर्म होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वितरण नियम हम कहते हैं। वितरण नियम में क्या होता है, वितरण नियम में जैसे क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं कि एक दे रखा है, एक तरफ संख्या दे रखी है 6 इंटू 5, और उसी में इसको कोष्ठक में बंद कर दिया हमने, प्लस एक तरफ संख्या दे रखी है 6 इंटू 3, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको करने के, तो दोनों तरीकों को हम देखते हैं करने के क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके
एक तो तरीका ये है कि 6 × 5 किया हमने, क्या आ गया 30 आ गया। प्रोडक्ट के अंदर क्या है 6 दिया हुआ है, तो 6 हम बाहर ले लेते हैं, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और ये गुणा कर तो 8 × 6 करेंगे कितना आएगा 48। तो एक तरीका ये है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 48 आंसर, और ऐसे भी ला सकते हैं। तो ये जो तरीका है 48 लाने का, नीचे वाला जो वितरण गुण, यानी कि हम अलग अलग बांटे हुए हैं, 5 और 3 को अलग अलग इसको बांटा हुआ था, इसको एक जगह ला करके गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वितरण का नियम। जैसे यहाँ पर हम देखें 4 × 5 + 8 है, इसका प्रयोग करना है 2 + 2 × 3 + 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 + 5 को हम लिख सकते हैं, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं। अलग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अलग अलग बार डिवाइड करके 5, यानी एक बार 4 को 5 से गुणा कर लिया, प्लस एक बार 4 को 8 से गुणा करके लिख दिया, तो ये कहला 6 को एक बार 7 से गुणा कर लिया, प्लस की चर्चा हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं कि जो गुणा किया जाता है वो किस तरीके से, साधारण तरीका क्या है गुणा करने का। जैसे 425 को 126 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करें, 136 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 426 को मल्टीप्लाई करना है हमें 136 से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं 425 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 425 × 6, क्या आ रही है वैल्यू, 425 × 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30, असल आएगी 3, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, 50 आएगा। अब 2550 में हम क्या करते हैं, सिर्फ पहला अंक यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कि ये हो गया 2550। अब 2550 जो हुआ है इसको दोबारा से हम किसी को हम 0 मान लेते हैं, अब करेंगे डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई, यानी 425 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 425 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 1 0 तो पहले से ही आ जाएगी, फिर 3 × 5 = 7, 50 आ रहा है, रख देते हैं एक ही जगह, 00 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो ये सबका योग करेंगे वो सबका योग क्या होगा, जितनी बार भाग गया जैसे 6, 30 और 100, इसको हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 6 को 30 को और 100 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 136। तो 136 × कि जो भी संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई किया उसको हम लिख देते हैं 136 × 400। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, जैसे कि एक स्कूल की कैंटीन है, प्रतिदिन लंच के लिए कितने रुपए देना पड़ता है 20 रुपए, और दूध के लिए 4 रुपए लेती है, इन तो मैं आप, और ये काम उसका कितना दिन चल रहा है, इनको दोनों को जोड़ दिया हमने, ये काम उसका कितना दिन चल रहा है 5 दिन तक चल रहा है, तो × 5 और कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 और 4 = 24, तो 24 × 5 कितना हो गया 120, यानी 5 × 2 = 20, हंस लगी 2 × 5 = 10, 12 120 लिए, यानी कि 120 रुपये उसको खर्च आने वाला है कितने दिन में 5 दिन में। इसको ऐसा अलग अलग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 5 दिन तक अगर वो दूध लेगा तो कितने रुपए का ले लेगा 100 रुपए का, 5 दिन तक अगर वो दूध लेगा 20 रुपए का, 1 दिन का दूध आता है तो 5 दिन तक लेता होगा 100 रुपए आएगा,
और 5 दिन तक अगर वो दूध की जगह क्या लेगा, सिर्फ दूध के लिए लेती है 4 रुपए, यानी लंच लेगा वो 5 दिन तो 20 रुपए के हिसाब से 100 आ जाएगा, दूध लेगा वो 5 दिन तो दूध का रेट क्या है 4, तो 5 × 4 यानी 20 आ जाएगा। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें कि कोई भी संख्या उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरी विधि क्या है यहाँ पर, लंच और दूध को जोड़ करके हम लिख सकते हैं, जैसे 20 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने किया था यहाँ पर 20 और 4 को जोड़ दिया और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से भी आंसर 120 आएगा। अब वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 और 35 ज्ञात करना है, तो 12 और 35 हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 12 और 35 को कैसे लिखेंगे, 12 × 35 को लिखेंगे 30 + 5। अब वितरण नियम हमें बनाना है तो 12 × 30 करेंगे पहले, 12 × 30 फिर प्लस क्या करेंगे 12 × 5। तो 12 × 30 की बात करें तो ये क्या आएगा, 12 × 30 360 आ जाएगा, प्लस 12 × 5 करें तो 12 × 5 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 360 और 60 कितना हो गया 420, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, यानी 420 वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं, एक सरल करना है, जैसे कि 126 × 45 दे रहा है, इसको सरल करना है तो कैसे सरल करेंगे, वो यहाँ पर गलत दे रखी है, यानी कि यहाँ पर हम कोष्ठक लगाना होगा, इधर भी कोष्ठक लगाना होगा। अब करते हैं इसको सवाल को, यहाँ पर प्लस एक संख्या दे रखी है 126 × 45। अब इसमें से दोनों में 126 आ रहा है तो 126 हम बाहर ले लेते हैं, तो 126 आ जाएगा, 126 × 45 है तो 55 और 45 होता है 100, तो 126 × 100 आंसर क्या आ जाएगा 12600, तो 12600 हमारा आंसर है। इसी तरीके से वितरण नियम का उपयोग करके 15 × 48 को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 15 × 68 को, यहाँ पर 15 × 68 को लिख सकते हैं 60 + 8, और फिर अलग अलग भाग देके लिख सकते हैं, यानी 15 × 6 कितना आ गया 15 × 60 900 आ गया, प्लस के 15 × 8 15 × 8 क्या आ गया 120, तो ये क्या आ जाएगा 1020 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस नंबर को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं योग और गुणन के जो तत्समक अवयव क्या है, तत्समक अवयव कैसे कहते हैं, तो ये केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति के कारण होता है जो तत्समक अवयव होता है। जैसे शून्य की योग में विशेष भूमिका यहाँ पर होती है, जैसे 7 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 7 ही आता है, 5 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 5 आता है, लेकिन अगर 0 में 15 जोड़ते हैं तो 15 आता है, 0 में 26 जोड़ते हैं 26 आता है। तो आप अगर शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो परिणाम हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही, यहाँ पर 5 से ही प्राप्त होगा। तो पूर्ण संख्या को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के तत्समक अवयव कहते हैं, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहते हैं, यानी कि अगर शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में हम जोड़ते हैं तो हमें आंसर सेम मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं योज्य तत्समक। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि ये गुणनफल की कमी होती जा रही है, जैसे कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो इस तरीके से प्रयोग करके हम शून्य की भूमिका का पता लगा सकते हैं। तो शून्य की भूमिका, जैसे कि हम 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से 7 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई, यही कि किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर क्या करते हैं, वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है जोड़ने पर भी, तो गुणा करने पर क्या है संख्या चेंज हो जाती है, और गुणा करने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक कैसे काम करेंगे, जैसे 1 है, अगर 1 को हम किसी से गुणा करें, 12 से करें या फिर 5 से करें या फिर 100 से करें, 1 ही आने वाला है, तो उसको बोलेंगे 1 तत्समक अवयव है। अब हम गुणात्मक गुणात्मक तत्समक की बात कर सकते हैं, जैसे प्रश्नावली की बात करें, इस क्रम में लगा करके योग करना है, उपरोक्त क्रम में, यानी क्रम विनिमेय भी लगा सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, क्रम विनिमेय 837 प्लस के 208 और 363 को कोष्ठक में डाल देंगे, 208 प्लस 363 और फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग एक में योग में डाल सकते हैं, यानी कि 1962
प्लस के 435, और ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 1538, प्लस के 647। तो इस तरीके से संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल कैसे, यानी 50 × 2 करेंगे हम पहले, 50 × 2, और फिर गुणा करेंगे किससे, 1768 से, 1768 डबल क्रम में लगाकर गुणा करना। अब क्रम में लगाकर गुणा करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम 25 से, यानी कि इकाई का अंक जिसमें 5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 625 × 16 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 279 से, 5 को यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 285 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 40 को यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 125 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब संख्याओं के मान हमें ज्ञात करना है, मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि अलग अलग गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी इन दोनों को यहाँ पर ज्ञात गुणा करना है, इन दोनों को इस कोष्टक के अंदर गुणा करना है और जोड़ देना है, यहाँ पर भी इन दोनों को गुणा करना है पहले, और फिर इन दोनों को गुणा करना है और जोड़ देना है। अब संख्याओं के गुणाओं का प्रयोग करके गुणनफल कैसे कर सकते हैं, गुणाओं का 600 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 738 और 00 आएगा, फिर यहाँ पर 100 × 3 करें तो 300 आएगा, यानी 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों को हम ऐड कर 10, यानी कि 2014 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 854 और ऐसे रख करके गुणा करेंगे, इसी तरीके से 1500 × 160 करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1000 + 5 × गुणा किया जाएगा, यानी कि गुणा हम साधारण विधि से करते हैं, लेकिन हमें वो संख्या छांटनी है जो किसी के नजदीक हो, जैसे ये 100 1000 के नजदीक है, ये किसके नजदीक है, 1005 1010 के नजदीक है, या फिर 1000 के नजदीक है, ये कह सकते हैं। अब गुणा के बाद में हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में 40 रुपये लीटर, यानी कि 40 लीटर पेट्रोल भरवाया है, कितना लीटर भरवाया है, 40 लीटर। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल और भरवाया और पेट्रोल का मूल्य है 44 रुपये प्रति लीटर है, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, पहले दिन 40 लीटर भरवाया था, भरवा लेता है पेट्रोल 40 + 96 396 की बात करें। अब हम बात करें, जैसे कि प्रश्न क्या रखा है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध बेच देता है, तो दूध वाला होटल को देता है कितना लीटर दूध, 32 लीटर दूध ये देता है, और शाम को 68 लीटर दूध देता है, यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले की प्रतिदिन की कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो सबसे पहले इनको दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल दूध यानी सुबह देने जाता है 32 लीटर दूध, शाम को देना जाता है 68 लीटर दूध, तो ये हो गया 8 × 2 = 10 लगे 1, यानी कि 100, यानी 1000 लीटर दूध हो गया। अब यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है, मैच क्या करना है, जैसे कि ये 425 × 126 × 136 को तोड़ा हुआ है 6 + 30 + 100, तो ये क्या कहलाएगा, ये योग का क्रम विनिमेय, यानी क्रम विनयता का नियम यहाँ पर कहलाएगा। यहाँ पर हम देखें 2 × 49 × 50 है, 2 × 50 × 49 है, तो ये गुणन की क्रम विनिमेयता का नियम है, किसका नियम है, गुण की, यानी जो गुणा करते हैं उसकी क्रम विनिमेयता का नियम।
और तीसरा यहाँ पर दे रखा है 800, यानी कि 80 प्लस 2005 प्लस 20, इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 20 प्लस 2005, यानी कि ये योग की गुणन का वितरण है। नेक्स्ट हम देखें पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप कैसे देखा जाता है। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। संख्या दो को इस प्रकार लिखा जा सकता है, संख्या दो को कैसे लिख सकते हैं, एक और दो, और तीन को कैसे लिख सकते हैं, एक दो तीन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ संख्याओं के आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें संख्या छह को आयत के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं, तो संख्या छह को आयत के रूप में हम लगा सकते हैं कैसे, दो इंटू छह से, तो दो इंटू छह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ संख्या है यहाँ पर जैसे चार और नौ है, चार और नौ के वर्गों के रूप में कैसे लिखेंगे, चार का वर्ग क्या था, क्या होता है, वर्ग होता है 81, 16 का वर्गमूल। संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर तीन है उसको त्रिभुज के रूप में व्यक्त कर, छह को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, छह को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर्स को डिनोट करने के लिए काम आ रहा है। अब हम ये सारणी यहाँ पर पूर्णी करनी है। एक विशेष संख्या है जैसे दो, क्या है, रेखा संख्या है क्या नहीं है, इसका आयत बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, सिर्फ दो का आयत, वर्ग बन सकता है कि नहीं बन सकता क्योंकि दो रेखाएं चाहिए, त्रिभुज बन सकता है कि दो का, तो दो का त्रिभुज भी नहीं बनेगा, दो रेखा तो है, इसका आयत नहीं बन सकता ना ही वर्ग बन सकता, तीन का क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है इस तरीके से, तो ये त्रिभुज यहाँ पर सही है। इसी तरीके से चार की बात करें, रेखा संख्या है, आयत है, और वर्ग यहाँ पर बन सकता है इस तरीके से, ये वर्ग है ये बन सकता है, और त्रिभुज यहाँ पर कभी नहीं बन सकता। इसी तरीके से संख्या पाँच की बात करें, रेखा है यहाँ पर, आयत की बात करें, आयत पांच रेखाओं से कभी नहीं बनेगा, जैसे एक और दो और तीन, इस तरीके से बनेगा, तो पांच से कभी भी आयत नहीं बनेगा, वर्ग भी नहीं बनेगा और त्रिभुज भी नहीं बनेगा। इस तरीके संख्याओं को लिखते जाते हैं, जैसे कि छह, छह से क्या नहीं बनेगा, छह की बात करें तो छह से रेखा तो बनेगी, आयत नहीं बनेगा, छह से आयत भी बन सकता है, जैसे एक दो तीन, तो यहाँ पर आयत भी बन सकता है, छह से हाँ आ जाएगा, वर्ग में यहाँ पर आयत के अंदर वर्ग नहीं बनेगा तो नहीं आ जाएगा, त्रिभुज के अंदर है नहीं बनेगा तो नहीं आ जाएगा, और बनेगा तो वो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तीन में भी त्रिभुज बन रहा है और छह में भी त्रिभुज बन रहा है, यानी तीन दो एक, यानी छह में भी यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि तीन में छह में त्रिभुज बन रहा है तो नौ में भी त्रिभुज बनेगा, तो यानी यहाँ पर छह में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर नहीं की जगह क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्या देखा क्वेश्चन, कौन सी संख्या केवल रेखा के रूप में दिखाई जा सकती है, तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल रेखा के रूप में दिखाई जा सकती है। कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दिखाई जा सकती है, तो पूर्ण संख्याओं में जैसे दो है, चार है और 16 है, 32 है, ये वर्गों के रूप में दिखाई जा सकती है। कौन सी संख्याएं आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती है, और कौन सी संख्या आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती है, जैसे कि 6 है वो आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। प्रथम चार त्रिभुजाकार संख्याएं लिखनी है, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे कि त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होती है, तीन और चार और पांच, ये संख्या होती है, तो यहाँ पर पांच क्या होता है, कर्ण होता है, और तीन और चार आधार होते हैं, तो ये तीन आधार है, ये चार लंब है और पांच है, वो हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। कुछ संख्याएं आयत होती है, जैसे कि 12 एक आयत है, और कम से कम उदाहरण हमें लेना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसे कि प्रतिरूपों को देखना, प्रतिरूपों को देख कैसे कैसे हैं, जैसे 117 हम लिख सकते हैं 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 117 प्लस 10 माइनस के 1, यानी 9 को क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस के 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, 117 प्लस 10 क्या होगा, 127 में से एक घटा गया तो कितना आ गया, 126 आंसर आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 117 माइनस 9 और इधर है 117 माइनस 10 प्लस 1, तो 117 में से 9 जाएगा, तो 117 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 98, और यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1, यानी माइनस के 10 प्लस 1, तो माइनस के 10 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 9 बचता है, तो यहाँ पर भी 98 ही आएगा आंसर, यानी दोनों कंडीशन में हमें 98 आंसर मिलेगा। तो ऐसे सारी संख्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर क्या आएगा, और 9,99,999 रुपये के जोड़ने और घटाने में काफ़ी सहायता मिलती है, जैसे कि 9 है
अगर तो 9 वाली संख्याओं को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 84 इंटू 1 9900, यानी 84 इंटू 999, तो इसको ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, 84 इंटू 1000 में से 1 माइनस कर दिया। तो किसी भी संख्या को हम गुणा कर सकते हैं, इन संक्षिप्त विधियां इनको कहते हैं। जैसे हमें करना है 96 इंटू 5, तो 96 इंटू 5 कैसे करेंगे, 96 इंटू यहाँ पर दे रखा है 5, तो सबसे पहले हम 5 को तोड़ेंगे। 5 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 10/2 लिख देंगे 5 की जगह, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10/2, ऐसे कर सकते हैं। अब 2 से 96 को हम काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 48 बार कटेगा। फिर 48 इंटू 10 करते हैं तो कितना आएगा, 480, तो ये 480 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या तोड़ सकते हैं, जैसे ये ले लेते हैं 96 इंटू 125, 96 इंटू 125 को हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 96 इंटू 125 लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 96 इंटू 125 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000/8। अब 8 से इसको काटेंगे 96 को तो 12 बार कटेगा, और 12 को 1000 से में तोड़ देंगे। अगर 25 है तो 25 है तो उसको तोड़ देंगे हम 100/4 में भी तोड़ देंगे 25 है तो इस तरीके से ये उदाहरण दे रखें। यहाँ पर 35 है, 35 को हम 70/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा। जैसे 0 × 0 करते हैं तो 0 आता है, 1+0 करते हैं 0 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, 0 नहीं आता है। और 0 में 2 का भाग देते हैं तो भी 0 आता है, और अगर 0 में 2 का भाग दें यहाँ पर तो भी क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर सब में 0 निरूपित हो रहा है। अगर इसकी जगह ये होता कि 2/10 - 10, यानी 2 में अगर 0 का भाग देंगे तो इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अब देखें 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होंगी। जैसे हम 5 × 0 करते हैं तो 0 आता है, ये सही बात है। अगर 0 × 0 करते हैं तब भी 0 आता है, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 का आता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 है, क्या दे रखा, हम एक या दोनों ही बराबर होनी चाहिए, तो या फिर कोई एक ऐसी संख्या जिनमें से एक तो होना जरूरी है, या दोनों में से दोनों बन हो सकती है या फिर एक हो सकती है। तो अगर एक एक है तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या कोई भी यहाँ पर ऐसी हो सकती है, 0 लिखेंगे तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में से एक के बराबर होना जरूरी है, हमें आंसर एक लाने का। 2 संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो दोनों संख्या एक होनी चाहिए, तभी आंसर हमारा एक आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें वितरण विधि से करना है, वितरण विधि से कैसे करेंगे, जैसे 728 है, 728 इंटू ये क्या है, 101, 101 को लिख देंगे हम 100+1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 728 00 प्लस 728 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आ जाएगा 728, तो 728 को इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा आंसर, तो 8 × 7 = 15 तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 504 × 35 है, वितरण विधि से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 35 × 504 को लिख सकते हैं 500+4, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग जोड़कर तोड़ लगेंगे यहाँ पर, जैसे 35 × 500 एक कोष्टक में लिख दिया प्लस 35 × 4 एक कोष्टक में लिख दिया, 35 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 35 × 4 करते हैं तो ये आता है 140, और 35 × 500 करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो तो पहले से आ ही रहा है यहाँ पर,
पांच इंटू पांच 25, हाथ लगी 2, 5 दिया 15, 2 17, यानी 17,500 में 140 और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 04617, यानी 17,640। तो इस तरीके से संख्याओं को जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर प्रूव प्रतिरूप का अध्ययन हमें करना है। प्रतिरूप का अध्ययन कैसे कर रहे हैं, जैसे कि 1 × 8 + 1 है तो ये 9 हो रहा है, अगर 1 की जगह 2 कर दिया यहाँ पर, 12 × 8 प्लस 2 4 5 तक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे 9 है, 9 से ये संख्या कम होती जा रही है, 9 9 8 हो रहा है, फिर 9 8 7 हो रहा है, 9 8 6 7 6 हो रहा है, 9 8 7 6 5 हो रहा है। तो इसको हम अगले चरण में बढ़ाना है। अगले दो चरण और कैसे बढ़ाएंगे, इसके दो चरण और क्या हो सकते हैं, इसके दो चरण हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 तक आ रहा है, 5 तक आ रहा है, अगला चरण होगा 1 2 3 4 5 6, इसको हम गुणा करेंगे 8 से, और यहाँ पर प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा, अब प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ना कहाँ तक आ रहा है, 5 तक, इसको 4 तक और लिख देंगे, 9 8 7 6 5 4, ये आंसर होगा हमारा। देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 + 7 × 8 × 8, और ये प्लस 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 तक जा रहा है, ये 3 तक चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7, यानी 9 8 7 6 5 4 और 3, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, यानी 3 तक चला जाएगा। तो हम गुणा किए बिना यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, किसको हम पहचान करके प्रतिरूप का, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 है, इसमें ये कितने वन है, यहाँ पर टोटल 5 वन है, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 वन को अगर हम एक एक कम करके जोड़ते हैं इसमें, यानी 1 2 3 4, फिर 1 1 1, यानी एक एक कम करते जाते हैं, क्या 1 2 3 4 5 ये आता है। अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 6 एक एक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आता है, 6 तक चला जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 आंसर आ जाएगा, यानी ये कितने हैं उसी के आधार पर आंसर आ जाएगा। लिख देंगे अगर ये 5 तक है तो 5 तक गिनती लिख देंगे, अगर ये 4 तक है तो 4 तक गिनती लिख देंगे, अगर ये 3 तक है तो 3 तक गिनती लिख देंगे, अब हम देखें अगला क्वेश्चन। जैसे क्या दिया हुआ है, संख्याएं 1 2 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, क्या है ये, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं, जो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखी जाती हैं, यानी जिनमें 0 नहीं होता है। यदि आप किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आप उसकी एक परवर्ती संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 4 जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, परवर्ती संख्या। 1 जोड़ने पर हमें परवर्ती संख्या मिलती है, एक पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। पूर्ववर्ती मतलब 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 3 होगा, यानी 1 घटा देंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक परवर्ती होता है, 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, यानी कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, बाकी सबकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। 1 का पूर्ववर्ती अगर हम आए तो 0 आ जाती है, और 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। यदि संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, जैसे 1 2 3 है हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, अगर इसको 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परिवर्ती संख्या होती है, पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3, यानी 1 2 3, इन सब का क्या है, एक परिवर्ती संख्या होती है, लेकिन 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, यानी 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पूर्ववर्ती नहीं होगा, बाकी सारी संख्याओं का पूर्ववर्ती होता है। जैसे यहाँ पर 1 का भी पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा, सभी प्राकृतिक संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या में आता है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक पूर्ण संख्या है,
लेकिन पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में हम जीरो भी मानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें जीरो यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है। हम एक रेखा लेते हैं और उस पर एक बिंदु अंकित करते हैं, जैसे हमने एक रेखा ली और उस पर एक बिंदु अंकित कर दिया ये वाला, जिसे हमने जीरो नामांकित कर दिया, तो इस बिंदु को क्या कर दिया? जीरो नामांकित कर दिया। और फिर जीरो के दाईं ओर समान अंतराल दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं, तो जीरो के दाईं ओर इस तरीके से बिंदु हम अंकित कर देते जाते हैं। इन्हें क्रम से 1, 2, 3 नाम दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं को जोड़ सकते हैं, व्याकलन कर सकते हैं, गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं। जोड़ कैसे सकते हैं? जैसे कि 2 तक ले लिया, जोड़ सकते हैं यहाँ पर संख्या में। 2 और 3 कैसे जोड़ सकते हैं? और यहाँ पर लिख दिया +3, तो 5 हो गया। तो इसी संख्या भाग भी कर सकते हैं। अब हम करें, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है। अगर दाईं ओर चलने पर तो संगत योग प्राप्त होगा जो हम जोड़ रहे हैं, और बाईं ओर चलने की बाकी हमें प्राप्त होती है बाईं ओर चलने पर, यानी कि सब्ट्रैक्शन हमें होता है। दाईं ओर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? जोड़ मिलता है। और शून्य से प्रारंभ करने पर समान दूरी के कदम की गुणा प्राप्त होता है। समान दूरी के कदम का गुणा प्राप्त कैसे होता है? जैसे कि 1 × 5 करें तो 5 आता है। तो दो संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार जैसे दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होती है, जैसे 7 और 9 दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है? 16, तो ये पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि 2 × 3 करते तो क्या होता है? 6, तो 2 और 3 भी पूर्ण संख्या है और 6 भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणनफल के अंतर्गत क्या होती है? संवृत होती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हमें मिलती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन और भाग के अंदर क्या होती हैं? संवृत नहीं होती है, यानी कि वो यहाँ पर हमेशा पूर्ण संख्या हमें नहीं मिलेगी। शून्य से भाग अपरिभाषित होता है, किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इन्फाइनेट आता है, यानी अपरिभाषित होता है। शून्य को पूर्ण संख्या के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं, और पूर्ण संख्या एक को पूर्ण संख्या के गुणन के लिए तत्समक मानते हैं, यानी कि हम एक से जब गुणा करते हैं कोई संख्या को तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए इसको तत्समक अवयव मानते हैं, किसको? एक को। जबकि शून्य को यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक माना जाता है, और पूर्ण संख्याओं में एक को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक माना जाता है, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुणा करें हम संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है। और इसी तरीके से जीरो को किसी भी संख्या में हम जोड़ें उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, वही सेम संख्या आती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या में जीरो जो है वो योग के लिए तत्समक है, और पूर्ण संख्याओं में एक है वो पूर्ण संख्याओं के गुणा के लिए तत्समक है। आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्याओं के योग का गुणन निमेय नियम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 4+3 भी ले सकते हैं, 3+2 भी ले सकते हैं, या फिर हम 4 × 3 भी कर सकते हैं और 3 × 4 भी कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम आने वाला है। पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन है वो साहचर्यता के नियम को पालन करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण होता है, यानी कि गुणा को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय साहचर्यता और वितरण गुण परिकल्पना को आसानी से उपयोगी बनाया गया है। हम अनजाने में इनका उपयोग करते हैं, यानी कि क्रम विनिमय साहचर्य और वितरण नियम का हम अनजाने में कई बार उपयोग करते हैं। संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं। और संख्याओं का प्रतिरूप देखा था, जैसे हमने देखा था 1, 1, 1, 1, 1, इस तरीके से जोड़ते जाते हैं हम संख्याओं को। 1, 1 कितने बार हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार हो गया, तो आंसर 7 तक जाएगा इसका। एक ही कम कर दे जाते हैं इसे 1, 2, 3, 4, 5 एक और कम कर देते हैं 1, 2, 3, 4 एक और कम कर देते हैं 1, 2, 3 एक और कम कर देते हैं 1, 2 और एक और कर देते हैं 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 तक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।